हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी स्मार्ट सपोर्ट। गाइस, इस तरह के रील्स इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आप भी इस वीडियो को बना सकते हैं। आप इस वीडियो को कैसे बनाएं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी नई वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। इस तरह के रील्स बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसे अलाउ कर ले। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करें, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। आपको जो भी वीडियो डालना है उसे सेलेक्ट कर लें। अब इस पर क्लिक करें। आप अपना इस तरह का कोई वीडियो बना लें। अगर आपके वीडियो में कोई सॉन्ग या नॉइस होगा तो यहाँ से इसे बंद कर दें। वीडियो के लास्ट में इस ऐप का वाटरमार्क आएगा, इस पर टच करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करें। प्लस के आइकन पर क्लिक करें। मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जो वीडियो डाउनलोड करेंगे वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऑप्शन से उस वीडियो का ऑडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। अब एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करें। आप जो भी वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं उसे चूज कर लें। अब ओके पर क्लिक करें। ऑडियो डाउनलोड हो गया है, इसे चूज कर लें। अब राइट के ऑप्शन पर क्लिक करें। प्लस के आइकन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप फोटो को चूज कर लें, फोटो का ऑप्शन। यहाँ से आप चार फोटो को चूज कर लें। फोटो को चूज करने के बाद इस पर क्लिक करें। इस बीट के आने के बाद वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद इसे ट्रिम कर लें, मतलब आप इसे कट कर लें। इस तरह से आप वीडियो को कट कर सकते हैं। अब आप दोबारा ऑन करके बीट को कंफर्म कर लें। यहाँ तक ये वीडियो सही है। अब दूसरे बीट तक इसे क्रॉप करेंगे। अब इस फोटो को क्रॉप करेंगे।
इसी तरह से आप चारों फोटो को बीट वाइज क्रॉप कर ले। क्रॉप करने के बाद अब यहाँ से इसे चेक कर ले। चेक करने के बाद यहाँ पर FX का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब वीडियो को थोड़ा सा आगे करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इस तरह से। उसके बाद इसको पूरा आगे बढ़ा दें। अब इस ऑप्शन पर टैप करें, इसके बाद इधर स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपको जिटर डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करें और उसी ऑप्शन को दोबारा चूज कर लें। इसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करें पर क्लिक करें। फिर से आप इसी इफेक्ट को लगा दें। इसी तरह आप चारों फोटो में इफेक्ट लगा दें। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप वीडियो को ऑन कर लें। ओरिजिनल के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से आप 9:16 को चूज कर लें। अब आपका ये वीडियो पूरा बन चुका है। ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लें। राइट पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस बनाकर आप रील्स में डाल सकते हैं। अब सेव टू एल्बम पर क्लिक करें, ओके कर दें। अब ये वीडियो गैलरी में सेव हो गया है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा लाती रहती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।